हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसलेनियस स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आप लोग के लिए जीके का पार्ट 11 वीडियो लेकर आ गया हूं, और इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें मैंने 25 इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लिया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 10 पार्ट जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने जियोग्राफी के तथा पोलिटिकल साइंस के प्रश्न लिए थे, तो इसमें मैंने इकोनॉमिक्स के लिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है और इकोनॉमिक्स सेक्टर का जो पहला प्रश्न है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक ही साथ स्थापित हो। उसके बाद उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, और लास्ट ऑप्शन है कि बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी, और जो सबसे छोटी कुटीर उद्योग होता है उस सभी उद्योगों का सह अस्तित्व जहाँ पे होता है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें किसको शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, तथा ये सभी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से वर्ग शामिल है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें सभी, ये चारों के चारों आंसर ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पशुपालन भी शामिल रहता है, वन भी शामिल रहता है, और मत्स्य पालन भी शामिल रहता है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल किए जाते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बिजली, लौह इस्पात, गैस, और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। इसमें चारों तीनों ऑप्शन सही है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस और लौह इस्पात शामिल किए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? इससे पहले वाले दो क्वेश्चन में हमने प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, और चार नंबर क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, उसमें तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। इस ये अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें परिवहन को, व्यापार को और डाक सेवा तीनों को शामिल किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो होता है वो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश दत्त मजमूदार, एस एन बनर्जी, एम जी रानाडे और दादा भाई नौरे जी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरे जी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम है, उसकी गणना का कार्य किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त ना करने वाले गरीब रेखा से नीचे माना जाता है? तो गरीबी रेखा जो निर्धारित की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको, उसका पैमाना क्या है, कितना कैलोरी से कम अगर कोई किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2700 कैलोरी और 2600 कैलोरी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी जो है वो बॉर्डर है, अगर इससे कम कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग
के अनुसार शहरी क्षेत्रों से कितनी कैलोरी पोषण ना करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जाना, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गरीबी क्षेत्र रेखा जो है उस शहरी क्षेत्र में किस पैमाने पे निर्धारित होती है, यानी कितने शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी, या शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई सीमा नहीं है। चौथा ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई सीमा नहीं बनाई गई है ऐसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2100 कैलोरी, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 2100 कैलोरी। तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम जो अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का आकलन किया जाता है तो उसके लिए किस चीज़ को सूचकांक माना गया है, किस किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया। तो शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी का आकलन किया जाता है तो उसमें किस सूचकांक को आधार माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, और औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में मुख्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है उसका मुख्य स्वरूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी। इसका सही आंसर प्रचंड बेरोजगारी हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुसूचित जातियों के रहन सहन में सुधार करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, और गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA, तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का अंग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एक कार्यक्रम चलता है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, वो किस कार्यक्रम का अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहर रोजगार योजना, बाल श्रम योजना, ट्राईसेम, और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2006, 11 मार्च 2006। तो यहाँ पे दो ऑप्शन वैसे एक ही जैसे हैं, तो और सी ऑप्शन जो है वो है 2 फरवरी 2006। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत दिया गया था। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है तो उसमें से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 9वीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 6ठी। तो गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम जो आरंभ किया गया था इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1951। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू गई की गई थी की गई। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू की गई, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1952 को, 1 अप्रैल 1953 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है कृषि, उद्योग, गरीबी हटाओ और परिवहन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन 4 ऑप्शंस में वो है, वो हो जाएगा बी, ए, कृषि। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना था, स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन था, योजना आयोग को परामर्श देना। उसके बाद चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए आप इन तीनों ऑप्शंस को याद रखें, ताकि अगर आपको यू बिना उपरोक्त सभी वाला अगर ऑप्शंस दे दिया जाए, 3 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन सही, तो आपको याद रहे। इसलिए आप इनके तीनों ऑप्शंस को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और योजना आयोग के सचिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है कि वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रो डी आर गाडगिल, पी सी महालन नोबिस, एम एन राय और सी मन्नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पी सी महाल नोबिस। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कृषि, परिवहन, गरीबी और उद्योग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उद्योग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारे आज का वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये इकोनॉमिक्स का 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किस इस्पात कारखाना का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय में की गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, ये तीनों के तीनों जो इस्पात कारखाना है, तो इन तीनों का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। तो ये थे आज के वीडियो के 25 क्वेश्चंस, और ये मैंने इकोनॉमिक्स से लिए थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, ता वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ता कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ता हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो अब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।